हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लिप्स की ड्रॉ कैसे करें और पेन इचिंग से उसका शेडिंग कैसे दें। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये लिप्स बनाने का। तो मैंने ये क्रॉस लाइन दे दिया और दोनों साइड दो टिक दे दिया ताकि ये लिप्स की चौड़ाई इतना होगा और सेंटर में एक लाइन दे रहा हूँ। तो बिल्कुल आप लोग को सेंटर से दोनों साइड इस तरीके से लाइन देना है। ये लिप्स की जो सेंटर वाली लाइन है तो इस तरीके से आपको देना है। और फिर मैं अपर लिप बना रहा हूँ, जो ऊपर वाला जो है लिप्स की, तो वो भी सेंटर से दोनों साइड इसी तरीके से आपको लाइन देनी है। बहुत ही आसान तरीके से लिप्स बन जाएगा। और ये लोअर लिप्स का इस तरीके से आपको देना है लाइन। तो ये अब मेरा लिप्स बन गया है बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग को भी इसी तरीके से बनाना है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा लिप्स। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पेन से आउटलाइन दे के फिर हम इसके शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मैं दे रहा हूँ पेन से इसका आउटलाइन, फिर इसके बाद मैं शेडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला लेयर ये मैं दे रहा हूँ और जो नीचे वाला लिप्स रहे वो ऊपर वाले लिप्स से थोड़ा सा डार्क रहता है हमेशा। तो वो और एक चीज़ आपको ध्यान देना कि लाइट किस तरह से लाइटिंग उसकी रखनी है, डार्क पॉइंट किधर रखना है और किस साइड आपको लाइट रखना है उसको। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर वाले जो लाइन है उसके ऊपर जस्ट हल्का सा मैं शेडिंग दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क रहता है और उसके ऊपर फिर मैं दूसरा लेयर दे रहा हूँ, आपको देख रहा होगा ये। तो इसी तरीके से आपको लेयर बढ़ाते जाना है। तो और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको किस साइड लाइट रखना है और किस साइड डार्क रखना है। तो मैं इसके ऊपर लेयर बाय लेयर देते जा रहा हूँ ताकि लिप्स का वो लुक आ जाए। और ये साइड मैंने डार्क कर दिया है क्योंकि उसके अपोजिट साइड उसकी लाइटिंग आ रही है, उस तरफ से लाइट आ रहा है तो उसकी इस साइड डार्क होना ही है। तो आप लोग को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है। और ये मैं नीचे वाले लिप्स को भी मैं थोड़ा सा इसमें डार्क करूँगा इस साइड। तो बहुत ही सिंपल तरीका है लिप्स बनाने का। आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिप्स को ड्रॉ कैसे करिए और पेन हिचिंग से उसकी शेडिंग कैसे दें। तो बिल्कुल ये बन चुका है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर साइड से थोड़ा सा राइट साइड से मैं इसका शेडिंग दे रहा हूँ ताकि वो देखने में और भी अच्छा लगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको शेडिंग करना है और इसका ड्रॉ भी इसी तरीके से करना है। बहुत ही सिंपल तरीका ये है बनाने का। तो बिल्कुल इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क करके इसके ऊपर फिर मैं क्रॉस लाइन दे दूँगा ताकि वो थोड़ा सा मर्च लगे। इस तरीके से दे दूँगा ताकि वो क्रॉस एचिंग भी दिखे और थोड़ा सा मर्च लगे। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ नया लेके आऊँगा आप लोगों के लिए।